हेलो फ्रेंड, प्लीज टू चाम गुरु जी। आज हम आपके लिए एक माइंड ब्लोइंग वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपके लिए 11 क्वेश्चन लेके आए हैं और हम आपको चैलेंज दे रहे हैं कि आपको 11 में से 7 सॉल्व कर सकते हैं आप या नहीं। तो ये आपके लिए चैलेंज है। तो 11 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन जो है सेम ही टाइप के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है वो कमेंट करे कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आपको 11 में से आपने कितना स्कोर किया है, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी स्कोर आपको पता लग सके कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं और आपके दोस्त कितना कर सकते हैं। इस वीडियो को फैला दो जितना वीडियो फैला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप सभी के लिए चैलेंज है, स्पेशल क्वेश्चन है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड। यहाँ पर जो चार क्वेश्चन यहाँ पे विजिबल हैं वो क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग में पूछे जाएंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन और हैं जो कि जीके सेक्शन में आपके लिए हर एक एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इज कॉल्ड, हम उसको क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ चेंज, जिस इसको क्वेश्चन आता है वो कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। तो डिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्लोप, हम उसको बोलते हैं। उसके बाद स्लोप हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, इसका आंसर स्लोप था, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जो जिसको आंसर आता है वो कमेंट कर सकता है और लास्ट में अपना स्कोर जो है वो भी कमेंट कर सकता है कि आपने कितना स्कोर किया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट हम बोलते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या था, वो बेंडिंग मोमेंट था, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जिसको पता है वो कमेंट कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं शियर फोर्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या था, वो शियर फोर्स था, अब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स पूछा गया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स क्या होता है, वीडियो को फटाफट से अभी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, उनको बोलो कि आप 11 में से कितना स्कोर कर सकते हैं, मेरा ये चैलेंज है। आप अपने दोस्तों को बोलो कि मेरा चैलेंज है कि मैंने आउट ऑफ 11 में इतना स्कोर किया और तुम कितने कर सकते हो, उसको अपने दोस्त को ये चैलेंज दो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, लोड जो होता है भार जो लगता है, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स को। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपको इसी तरह की चैलेंज भरी वीडियो जो है वो मिलती रहे। क्योंकि देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज के ही सारे क्वेश्चन आपके लिए कर रहे हैं। हो सकता है अगर हमारी वीडियो आपको बहुत लोगों तक पहुँच गई तो हम आपके लिए सेकेंड पार्ट भी लेके आएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट रहेगा वो भी वेरी इंटरेस्टिंग रहेगा। रेट ऑफ चेंज के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फटाफट से वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में उसमें अपना स्कोर जो है वो लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, फर्स्ट के चार क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, अब सेकंड के चार क्वेश्चन देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एग्जाम में कई बार आपको सिर्फ चार्ज ही पूछ लिया जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करो कि मैंने इतना स्कोर किया है, आउट 11 में से 10 स्कोर किया या फिर 8 किया है, 9 किया है या फिर 11 में 11 किया है, तू कितना कर सकता है भाई, अपना स्कोर जो है कमेंट कर मुझे कि कितना स्कोर कर सकता है, या फिर आप डायरेक्टली उसको पूछ भी सकते हैं अगर आपके वो आसपास है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड,
हम उसको क्या बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, हम उसको बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एंगुलर मूवमेंट जो होता है इसका आंसर हो जाएगा अप्लाइड टोर्क्यू, अप्लाइड टोर्क्यू, टोर्क्यू ये वाला टोर्क्यू देखिए, टोर्क्यू, अप्लाइड टोर्क्यू हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मूवमेंट। पहले हमने क्या डिस्कस किया, एंगुलर मूवमेंट डिस्कस किया, अब देखिए लीनियर मूवमेंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लीनियर एंड एंगुलर दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंगुलर मूवमेंट क्या होता है, लीनियर मूवमेंट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीनियर मूवमेंट जो होता है उसको हम फोर्स बोलते हैं, फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मूवमेंट इज कॉल्ड फोर्स, हम उसको बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड कई बार सिंपली आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट ही बोल दिया जाता है, जिसको हम लीनियर मूवमेंट भी बोल सकते हैं, तो इसका भी आंसर फोर्स ही रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनको ध्यान में रख के अपने दोस्त को स्कोर कमेंट करने को बोलो कि तू कितना स्कोर कर सकता है, कि मैंने भाई इतना स्कोर किया है तू कितना कर सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया है, जो जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है वो कमेंट जरूर करें कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं और मैंने इतना स्कोर किया है। अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और हमें ये सजेस्ट करें कि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इसी टॉपिक पर लेके आए या फिर नहीं लेके आए, आप कमेंट जरूर कीजिए जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। आठ क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब यहाँ पे लास्ट के तीन क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन है टोटल। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ मूवमेंट, क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। पिछले वीडियो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिस्कस किया था एंगुलर मूवमेंट के बारे में। एंगुलर मूवमेंट जो होता है वो इज कॉल्ड अप्लाइड टोर्क्यू, हम उसको बोलते हैं। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम जो होता है उसको हम टोर्क्यू बोलते हैं, इज कॉल्ड टोर्क्यू। इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि इनके क्वेश्चन भी सेम सेम है। अगला जो क्वेश्चन था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड। कई बार सिंपली आपको क्या दिया होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट इज कॉल्ड, ये नहीं दिया होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट या विद टाइम इज कॉल्ड, हम उसको क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं वेलोसिटी। अपने दोस्तों को बोले कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं 11 में से, ये फर्स्ट पार्ट है, आपकी डिमांड पर पार्ट सेकंड भी आ जाएगा, तो फटाफट से कमेंट करो कि हम सेकंड पार्ट आपके लिए करें या फिर ना करें। लगभग 100 कमेंट्स आने चाहिए कि एक पार्ट अलग पार्ट बनाओ, सेकंड पार्ट जो है वो भी बनाओ, तब हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे। और आपके लिए चैलेंज है कि आप 11 में से कितना कर सकते हैं, आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है और आपने इतना स्कोर किया है। तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको क्वेश्चन जो है रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पर क्वेश्चन जो है रिलेट कर रहे हैं, किस एक दूसरे के साथ क्वेश्चन जो है रिलेट कर रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज को हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हम उसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 11 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं। आप कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखिए कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं, ये चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया या फिर नहीं किया। तो जिसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया वो कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर लिखिए, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करके चैलेंज दे कि तू कितना कर सकता है, मैंने इतना किया तू कितना कर सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड, कमेंट जरूर करें कि आप सेकंड पार्ट चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।